हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज, आज भी हम AEW के बहुत ही बड़े और बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज, आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि क्या हमें सरप्राइजिंगली CM Punk द इलीट के ब्लेड एंगल्स मैच के अंदर पार्टनर होते हुए दिखाई देने वाले हैं। जिसके साथ ही हम जानेंगे कि डायनामाइट शो के बाद व्हील रूथर की इंजुरी को लेकर और कौन से अपडेट सामने आ रहे हैं। जेड कार्गिल के रिटर्न को लेकर मेरे पास आपके लिए एक अपडेट है। मैलिकाय ब्लैक ने AEW से काफी वियर्ड रिक्वेस्ट की है। और हम जानने वाले हैं कि जॉन मॉक्सली ने हाल फिलहाल में न्यू जापान प्रो रेसलिंग के अंदर किस टाइटल के लिए चैलेंज कर दिया है। तो गाइज, ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना। और ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज, अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं व्हीलर यूथा की और जानते हैं कि डायनामाइट शो खत्म होने के बाद अब व्हीलर यूथा की हालत कैसी है और क्या हमें व्हीलर यूथा ब्लड एंगल्स के ऊपर कम्पीट करते हुए दिखाई दे सकते हैं या नहीं। तो गाइज, अगर आपने अब तक हमारे चैनल के ऊपर लास्ट वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इससे पहले लास्ट वीडियो चेकआउट कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने वहां पर आपको व्हीलर यूथा की इंजुरी को लेकर पूरी की पूरी स्टोरी डिटेल में बताई है। लेकिन गाइज, जहां तक बात है व्हीलर यूथा की इंजुरी से रिकवरी की, तो हाल फिलहाल में व्हीलर यूथा का आखिरी चेकअप हो चुका है और व्हीलर यूथा को लेकर हेल्थ रिपोर्टें सामने आ रही है कि गाइज, व्हीलर यूथा ठीक है और व्हीलर यूथा की इंजुरी उतनी भी सीरियस नहीं है जितनी कि हम पहले सोच रहे थे। और मैं प्रोबेबली व्हीलर यूथा अपनी इस इंजुरी के साथ ही ब्लड एंड गट्स शो के ऊपर परफॉर्म भी करते हुए दिखाई दे सकते हैं। पर चाहे तो बड़े बड़े स्पोर्ट्स का हिस्सा नहीं होंगे, पर उस मैच के अंदर कम्पीट जरूर कर सकते हैं। जो अपडेट साल फिलहाल में व्हीलर यूथा के स्टेटस को लेकर सामने आ रही है कि यूथा की इंजुरी इतनी भी सीरियस नहीं है और वो हमें इंजर्ड होने के बावजूद ब्लड एंड गट्स शो के ऊपर परफॉर्म करते हुए दिखाई दे सकते हैं। इसीलिए गाइस, यहां पर देखने के लिए मजा आएगा कि जब व्हीलर यूथा इंजर्ड होने के बावजूद ब्लड एंड गट्स शो के ऊपर परफॉर्म करते हैं तो उनकी इस मैच के अंदर परफॉर्मेंस कैसी होती है और क्या वो इस मैच के अंदर अपना 100% दे पाते हैं या नहीं। लेकिन गाइस, फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि हाल फिलहाल में मैलिकाय ब्लैक ने AEW कंपनी को कौन सी वियर्ड रिक्वेस्ट की है। तो गाइज, आपको तो पता ही होगा कि AEW कंपनी के अंदर AEW के मैनेजमेंट के साथ साथ रेसलर्स भी अपने तरफ से खुद कुछ इनपुट्स दे सकते हैं और रेसलर्स भी अपने स्टोरी लाइंस को कुछ हद तक इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। और गाइज, ये सेम चीज मैलिकाय ब्लैक के केस के अंदर भी है। पर मैलिकाय ब्लैक ने हाल फिलहाल में AEW को ऐसी रिक्वेस्ट की है जो तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैलिकाय ब्लैक करेंगे, क्योंकि जब हाल फिलहाल में मैलिकाय ब्लैक के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर उन्हें पूछा गया कि क्या मैलिकाय ब्लैक डायनामाइट शो के ऊपर रहना पसंद करेंगे या फिर कोलिजन शो के ऊपर, तो यहाँ पर इस सवाल का जवाब देते हुए मैलिकाय ब्लैक ने कहा कि सच बताए तो मैलिकाय ब्लैक को इस चीज से कुछ फर्क नहीं पड़ता कि वो डायनामाइट पर रहे या फिर कोलिजन के ऊपर, लेकिन मैलिकाय ब्लैक खुद से चाहते हैं कि मैलिकाय ब्लैक कोलिजन शो के ऊपर रहे, क्योंकि मैलिकाय ब्लैक किसी भी शो के ऊपर परफॉर्म करे उन्हें टीवी टाइम तो मिलने ही वाला है। लेकिन मैलिकाय ब्लैक खुद से चाहते हैं कि मैलिकाय ब्लैक AEW के नए शो कोलिजन के ऊपर काम करे। और स्पेशल रिक्वेस्ट मैलिकाय ब्लैक ने AEW को की है, जो बातें हाल फिलहाल में मैलिकाय ब्लैक ने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर बताई है कि मैलिकाय ब्लैक ने खुद से AEW कंपनी को रिक्वेस्ट की है कि वो AEW के नए शो यानी कि सिर्फ कोलिजन पर ही फीचर हो, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइस, हाल फिलहाल में बताया ऐसा जा रहा है कि मैलिकाय ब्लैक ने ये रिक्वेस्ट क्यों की है और जो रिपोर्ट सामने आ रही है वो रिपोर्ट्स में बता रही है कि मैलिकाय ब्लैक ने कोलिजन शो के ऊपर परफॉर्म करने की रिक्वेस्ट इसलिए की है क्योंकि मैलिकाय ब्लैक अपने वाइफ ज़ेलिना वेगा के साथ थोड़ा और टाइम स्पेंड करना चाहते थे और अगर वो कोलिजन शो के ऊपर काम करते तो उनकी वाइफ ज़ेलिना वेगा के WWE शेड्यूल के चलते उनके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर सकते थे। इसलिए मैलिकाय ब्लैक ने मेनली कोलिजन शो के ऊपर फीचर होने को लेकर रिक्वेस्ट की है। जो अपडेट साल फिलहाल में सामने आ रहे हैं तो देखने के लिए मजा आएगा कि जब मैलिकाय ब्लैक शायद जब परमानेंटली कोलिजन शो के ऊपर मूव होते हैं तो वो कोलिजन शो के ऊपर और क्या जबरदस्त चीजें कर पाते हैं। पर गाइस, हाल फिलहाल में हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि हाल फिलहाल में फॉर्मर TBS वुमेन्स चैंपियन यानी कि जेड कार्गिल के रिटर्न को लेकर और कौन सी नई अपडेट सामने आ रही है। तो गाइस, अगर आप जेड कार्गिल को फॉलो कर रहे हैं तो आपको तो पता ही होगा कि साल के डबल और नथिंग पेपरव्यू पर हमें जेड कार्गिल सरप्राइजिंगली अपनी TBS वुमेन्स चैंपियनशिप हारती हुई दिखाई दी थी और तब से लेकर अब तक हमने जेड कार्गिल को AEW के अंदर नहीं देखा और बताया ऐसा जा रहा था कि हमें जेड कार्गिल थोड़ा फार टाइम ऑफ लेते हुए दिखाई दे सकती है क्योंकि उन्हें वैकेशन भी थोड़ा फार एंजॉय करना है। पर गाइस, अब काफी टाइम हुआ जेड कार्गिल AEW के शोज के ऊपर वापस नहीं आ रही, इसलिए फैंस भी जानना चाहते थे कि हमें जेड कार्गिल कब तक AEW के अंदर अपना रिटर्न करती हुई दिखाई दे सकती है। और इसी को लेकर कुछ फैंस ने जब जेड कार्गिल को ट्वीट कर सवाल पूछे कि हमें जेड कार्गिल कब तक AEW के अंदर वापस आती हुई दिखाई दे सकती है, तो यहां पर इस सवाल का जवाब देते हुए जेड कार्गिल ने कहा कि वो इतनी जल्दी तो AEW के अंदर वापस नहीं आने वाली, जिससे तो हम समझ सकते हैं कि गाइस, हमें जेड कार्गिल का वैकेशन थोड़ा फार और लंबा चलता हुआ दिखाई दे सकता है और हमें जेड कार्गिल का रिटर्न देखने के लिए थोड़ा और टाइम वेट करना पड़ सकता है। पर गाइस, पता नहीं क्यों, लेकिन
मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें ऑल इन पे पर व्यू के पहले पहले जेट कारगिल AEW के अंदर अपनी वापसी करती हुई दिखाई दे सकती है, पर वो खुद से कह रही कि इतनी जल्दी नहीं आने वाली, तो देखना पड़ेगा कि जेट कारगिल रिटर्निंग टाइम फ्रेम क्या होती है। क्योंकि सच में अगर जेट कारगिल अपना रिटर्न करती है तो AEW की विमेंस डिवीजन के अंदर एक और स्ट्रॉन्ग सुपरस्टार आ जाएंगी। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि हाल फिलहाल में जॉन मॉक्सली ने न्यू जापान प्रो रेसलिंग के अंदर कौन सी चैंपियनशिप के लिए चैलेंज कर दिया है। तो गाइस अगर आप जॉन मॉक्सली को फॉलो करते हैं तो आपको तो पता ही होगा कि मैं जॉन मॉक्सली AEW के साथ साथ न्यू जापान प्रो रेसलिंग पर भी परफॉर्म करते हुए दिखाई देते हैं, और मैं टाइम टू टाइम जॉन मॉक्सली न्यू जापान प्रो रेसलिंग के ऊपर कुछ बहुत ही जबरदस्त मैचेस देखने को मिलते हैं, जैसे कुछ मैचेस हमें हाल फिलहाल में मॉक्सली की तरफ से देखने को मिले हैं। और अगर आपको मैचेस कैसे है नहीं पता तो ऊपर आए कार्ड के ऊपर क्लिक कर हमारी पिछली वीडियो चेकआउट करना मत भूलना। पर जॉन मॉक्सली न्यू जापान प्रो रेसलिंग पर भी परफॉर्म करते हैं और वहां पर भी जॉन मॉक्सली एक दो बार IWGP यूनाइटेड स्टेट चैंपियन रह चुके हैं। पर हाल ही में जब जॉन मॉक्सली न्यू जापान प्रो रेसलिंग के शोज के ऊपर फीचर हुए थे तो वहां पर एल डेस्पेरेडो के खिलाफ उनको एक मैच के अंदर हराने के बाद जॉन मॉक्सली ने सरप्राइजिंगली यहां पर एक माइक लेकर IWGP वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन सनाडो को कॉल आउट किया। और यहां पर बात करते हुए जॉन मॉक्सली ने IWGP वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन सनाडो को चैलेंज कर दिया है, और मॉक्सली ने कहा कि जॉन मॉक्सली काफी जल्द ही सनाडा के IWGP वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए आने वाले है और वो काफी जल्दी IWGP वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन भी बनेंगे। जो बातें कहकर जॉन मॉक्सली ने यहां पर सनाडा को कॉल आउट किया है। तो गाइस यहां पर देखने के लिए मजा आएगा कि जब जॉन मॉक्सली पहली बार न्यू जापान प्रो रेसलिंग के सबसे बिगेस्ट प्राइज के लिए जाते हैं तो क्या जॉन मॉक्सली अपने फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर IWGP वर्ल्ड चैंपियन बन पाते हैं या नहीं। पर गाइस सच में जॉन मॉक्सली को IWGP वर्ल्ड चैंपियन बनता हुआ देखने के लिए मजा काफी आएगा, जहां पर आप भी मुझे कमेंट कर बताइए कि क्या आप मॉक्सली को वर्ल्ड चैंपियनशिप होल्ड करते हुए देखना चाहते हैं या नहीं। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे बड़े अपडेट की और जानते हैं कि क्या हमें ब्लड एंड गट्स शो के ऊपर क्या द एलीट की मिस्ट्री पार्टनर के तौर पर CM Punk देखने को मिलने वाले हैं। तो गाइस अगर आप काफी देर से AEW को फॉलो कर रहे हैं तो आपको तो पता ही होगा कि मैं AEW के अंदर द एलीट और CM Punk इनके बीच में काफी बड़ा पंगा होता हुआ दिखाई दिया था, जहां पर इनके बीच में बैकस्टेज फाइट भी हुई थी और इसके चलते इन दोनों को सस्पेंड भी कर दिया गया था। और अब जब से CM Punk वापस आए हैं तब से इन सबको सेपरेट रखने के लिए यहां पर AEW ने पूरा का पूरा कोलिजन शो CM Punk को डेडिकेट कर दिया है, जबकि द एलीट डायनामाइट शो के ऊपर परफॉर्म करती है। और लग रहा है कि हमें AEW मेनली CM Punk और द एलीट इन दोनों को सेपरेट रखती हुई दिखाई दे सकती है। पर हाल फिलहाल में CM Punk और द एलीट को लेकर ऐसे अपडेट सामने आए हैं जो देख कर लग रहा है कि मैं शायद CM Punk और द एलीट दोबारा से एक साथ ही नहीं आते हुए दिखाई देंगे, बल्कि शायद साथ में मिलकर भी काम करते हुए दिखाई दे सकते हैं। और इसलिए क्योंकि गाइस हाल फिलहाल में जो फाइटफुल की तरफ से रिपोर्ट सामने आई है वो रिपोर्ट हमें बता रही है कि करंटली जो द एलीट के पास ब्लड एंड गट्स मैच के लिए स्पॉट बाकी है, जहां पर उनके पास कोई पार्टनर नहीं है और यहां पर एक मिस्ट्री पार्टनर द एलीट का इस मैच के अंदर साथ देता हुआ दिखाई देने वाला है। तो गाइस यहां पर इस स्पॉट के लिए सरप्राइजिंगली खुद CM Punk ने जाकर टोनी खान को अप्रोच किया था और ये आइडिया पिच किया था कि CM Punk यहां पर द एलीट की मिस्ट्री पार्टनर हो सकते हैं, जो आइडिया खुद से CM Punk ने जाकर टोनी खान को पिच किया है। जो अपडेट हाल फिलहाल में CM Punk को लेकर सामने आ रही है कि पंक खुद से द एलीट के ब्लड एंड गट्स मैच के अंदर उनके पार्टनर बनकर परफॉर्म करना चाहते हैं, जो चीज तो मैंने कभी नहीं सोची थी कि CM Punk कहते हुए दिखाई दे सकते हैं। पर गाइस अब सरप्राइजिंगली CM Punk खुद से अप्रोच कर रहे हैं कि CM Punk द एलीट के टैग टीम पार्टनर बनना चाहते हैं, तो देखने के लिए मजा आएगा कि CM Punk इस अप्रोच के बाद टोनी खान इस पर क्या एक्शन लेते हैं और क्या हमें टोनी खान CM Punk को द एलीट का मिस्ट्री पार्टनर बनाते हुए दिखाई देते हैं या फिर टोनी खान के पास कोई अलग ही प्लान है। पर गाइस सच में अगर CM Punk द एलीट की मिस्ट्री पार्टनर होते हैं तो ये चीज देखने के लिए तो काफी मजा आएगा, पर अगर यहाँ पर हमें गारंटी नहीं दे सकते कि आगे इनके बीच में कोई पंगा नहीं होगा, इसलिए मैं तो CM Punk और द एलीट को सेपरेट रखना चाहूंगा। लेकिन आप मुझे कमेंट कर बताइए कि क्या आप पंग और द एलीट को साथ में देखना चाहते हैं या नहीं। पर ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन गाइज अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?